नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। कल एक भाई मुझे मिले और मुझसे पूछने लगे कि जोगिंदर भाई, आप YouTube पे बहुत सारा वीडियो बनाते रहते हो, YouTube से आपको क्या मिलता रहता है? तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो बना करके पूरी दुनिया को बता दूं कि YouTube हमें क्या देता है, YouTube से हम क्या पाते हैं और क्या एक्सपेक्टेशन दोस्तों है। अगर आप भी जानना चाहते हैं, आप भी YouTube पे कुछ काम करना चाहते हैं, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक बनाइए, एक अच्छा इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपके लाइफ में काम आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। देखिए, मुझे यूट्यूब पर काम करते करते मोटा मोटी 3.5 साल से ऊपर हो चुका है और आज मैं YouTube से अच्छा खासा इनकम करता हूँ, अच्छा खासा अर्न करता हूँ और नाम पहचान भी होता है। मेरा काम कंप्यूटर रिपेयरिंग काम है, लेकिन जब मैं कहीं जाता हूँ किसी मिलता हूँ ना, लोग पूछते भैया कैसा काम धाम चल रहा है, तो मैं कहता हूँ कि काम धाम कंप्यूटर का तो आजकल अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन YouTube पे अच्छा काम चल रहा है। तो ये बोले YouTube पे क्या करते हो भैया? मैं बताता हूँ, जो मैं पहले ऑफलाइन करता था, मतलब मैं कस्टमर साइट पर जाकर कस्टमर कंप्यूटर बनाता था, फिर उसको चार्ज लेता था। अब क्या करता हूँ, इंटरनेट के माध्यम से, YouTube के माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूँ और वीडियो बनाकर बताता हूँ कैसे कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जाए। तो लोग देखते हैं वीडियो को, उससे मुझे उनका लव मिलता है, उनका लाइक मिलता है, कमेंट मिलता है, उसके बाद मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे YouTube पे पैसा कैसे आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो पैसा मुझे मिल जाएगा, कोई लोग कहते हैं कमेंट कर देंगे तो पैसा हमें मिल जाएगा, कोई लोग कहते हैं कि वीडियो शेयर कर देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता भाई साहब। बता दूं आपको, YouTube का सिर्फ एक अर्निंग सोर्स जो मैं कमाता हूं, वो कमाता हूं गूगल एडसेंस से। मतलब कि हमारे YouTube चैनल को जब वीडियो बना के डालते रहते हैं, वहां पर पैसा आता है। जब आप वीडियो देखते होंगे, बीच में देखते होंगे ऐड आता ना, ऐड आता है जब आपने कोई वीडियो क्लिक किया। जैसे आपने एक वीडियो जाकर खोल दिया कि कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, जब लिखेंगे आप YouTube के ऊपर तो मेरा वीडियो आ जाएगा। जब वीडियो आ जाएगा तो आप देखेंगे उसमें कुछ ऐड आ जाएगा, तो ऐड का ही पैसा हम लोगों को मिलता है और कुछ नहीं मिलता है। और ऐड आने का एक क्राइटेरिया है YouTube के ऊपर। देखिए, YouTube पे अर्न करने के लिए क्राइटेरिया है कि जब आप YouTube चैनल को वीडियो बनाएंगे मेरी कैटेगरी के, तो आपको 1000 सब्सक्राइबर पहले करना होता है पिछले 365 दिन के अंदर। उसके बाद आपको 4000 घंटे वॉच टाइम करने होते हैं, मतलब कि आपने कोई वीडियो बनाया, उस वीडियो किसी व्यक्ति ने 5 मिनट देखा, किसी ने 10 मिनट देखा, किसी ने 15 मिनट देखा। जितने देर तक उस वीडियो को लोग रुक के देखते हैं, उसी को वॉच टाइम कहते हैं। YouTube कहता है अगर आपका वीडियो अच्छा है तो लोग रुक के देखेंगे, अगर वीडियो में क्वालिटी नहीं है तो लोग स्किप कर देंगे, दूसरे वीडियो आ जाएंगे। इसलिए कॉन्टेंट के ऊपर आपका जो क्वालिटी, उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं प्रयास करता हूँ, लोगों को सिखाता रहूँ। ये देखिए, एक YouTube शॉर्ट भी आता है, उसमें 10 मिलियन व्यू कर लीजिए, लेकिन मैं शॉर्ट पर काम कम करता हूँ, मैं मेनली काम करता हूँ लॉन्ग वीडियो के ऊपर, और मैं काम करता हूँ ट्रेनिंग देने के चक्कर में। ठीक है दोस्तों, ये आप काम कर लीजिए, 365 दिन कर लीजिए। लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया आपको क्या मिलता रहता है? बता दूं आपको, मैं आज के डेट में YouTube के माध्यम से है ना, मेरी जीविका चल रही है। जो भी आज के डेट में काम धाम है, वो कंप्यूटर रिपेयरिंग काम पहले के मुकाबले अब बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर पूरे इंडिया में हो चुके हैं जो लोग सिखा दे रहे हैं कि अगर नो सिग्नल लो डिस्प्ले आता है, रैम निकाल के टाइट कर दीजिए, अगर नो बूट डिवाइस आता है, हार्ड डिस्क का तार निकाले सही कर दीजिए। तो अब जो युवा है ना, वो हम लोग बुलाते नहीं है, मतलब मेरे से बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर रिपेयरिंग करने बुलाते नहीं है, तो लोग देख के कर लेते हैं। विंडो लोड करना है, विंडो कर लेते हैं। अगर हम भी कहीं फंसते हैं ना YouTube के ऊपर, तो जाते हैं YouTube, वीडियो चेक करते हैं, किसी बना रखा हो, चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, देख करके उस बहुत सारे प्रॉब्लम हम खुद सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। इसलिए जो मेन काम है, अब जमाना है सोशल मीडिया का। देखिए, मैं एक्चुअल क्यों बताता हूँ आपको। मैं देखिए, मान लीजिए आप टीवी देखते रहोगे, देखिए ये एक तरह से मोटिवेशन वीडियो है, देखिए आप समझ में आएगा। आप टीवी देखते रहोगे, लेकिन आप पहले मुकाबले आप टीवी देखना आप खुद कम कर दिए होंगे। सोचिए कि खुद मैंने टीवी देखना कम कर दिया है, तो अब लोग हाथ में मोबाइल फ़ोन है, चाहे वो व्हाट्सअप देखते हों, चाहे वो फेसबुक देखते हों, चाहे इंस्टाग्राम देखते हों, चाहे यूट्यूब देखते हों, लेकिन चलते फिरते करते करते वो काम कर लेते हैं। जो आजकल ये सोशल मीडिया का काम है ना, ये टीवी से शिफ्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर आ चुके हैं। मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी है, उसको ऐड देना है। अगर टीवी पे पहले कोई ऐड देता था, मान लीजिए कोई एपी न्यूज़ का कोई भी चैनल है, टीवी चैनल है, वहाँ पे कोई कंपनी वाला ऐड देते थे, तो ऐड देने के बाद में जब उस चैनल के ऊपर ऐड आता था, मतलब कंप्यूटर डिपार्टमेंट के लोग ने ऐड दिया टीवी के ऊपर, तो वो जो टीवी चैनल है वो ऐड दिखाते थे और पूरे भारत के, मतलब जहाँ जहाँ दिखाए लोग देखते थे। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ थी, उनको फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उनको जो है ना, जो टारगेटेड ऑडियंस थे वो नहीं देख पाते थे, वो कौन, उनको सब देखते थे। लेकिन फिर उसके बाद यूट्यूब आ गया, यूट्यूब की कैटेगरी बन गई, एक नीच बन गया। जैसे मैं कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, कोई होता होगा जो मूवी रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, कोई होता होगा मैथ के लिए, मतलब पढ़ाई रिलेटेड वीडियो बनाते होंगे, ऐसे करते करते कैटेगरी बढ़ गई है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है,
कंपनी है जो कि कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड काम करती हैं, उनको ऐड देना है, ऐड देना है, तो वो जो है जहाँ पे फूड वाले जो फूड ब्लॉगर हैं वो वीडियो बनाते हैं उनके ऊपर देना पसंद नहीं करेंगी, क्योंकि फूड ब्लॉगर वाले को जो कौन देखना है जो फूड पसंद करते हैं, लेकिन मुझे कौन देख रहा है जो कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लैपटॉप में इंटरेस्ट रखते हैं, चाहे बनाते हैं चलाते हैं, मतलब उससे जो जो कंप्यूटर कंपनियाँ हैं ना यूट्यूब को कहीं भैया ये ऐड लीजिए और कंप्यूटर वाले चैनल पर चलाइए, क्योंकि जो टारगेटेड ऑडियंस है वो कंप्यूटर देखने के लिए आए, लैपटॉप देखने के लिए आए हुए हैं, इसलिए हमारे वीडियोस के ऊपर जो है वो जो ऐड लगाते हैं उनको फ़ायदा ज़्यादा होता है, जहाँ पहले टीवी पे देख करके उनको कम फायदा रहता होगा लेकिन इसके माध्यम से फ़ायदा ज़्यादा होता है, समझे, ये है कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया का आज के डेट में। इसलिए जो कंपनियां थी उनको जो है कम पैसे में, जैसे यूट्यूबर हम लोग हैं तो हम लोग बहुत ज़्यादा चार्ज तो करते नहीं हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो हमको मिल जाता है तो यूट्यूब कंपनी चार्ज करती है, हमारे चैनल पे ऐड लगाती हैं और टारगेटेड ऑडियंस के पास में उनका वीडियो पहुँच जाता है, किसी को लैपटॉप लेना है, किसी कंप्यूटर लेना है, किसी को जो है कंप्यूटर ख़राब बनाना है तो वो हो जाएगा। कोई फूड ब्लॉगर अगर है, कोई कंपनी है जो खाना वाना का प्रचार करना चाहती है तो फूड ब्लॉगर पर देखिए ना, मेरे चैनल पर ऐड दिखवा कर क्या करेंगे, क्योंकि लोग कंप्यूटर देखने हैं कंप्यूटर सीखने हैं, वो नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो YouTube पर काम करके हमको तो एक मिलता है भैया, मनी मिलता है, पहला चीज़ जान लीजिए, और मनी से हमारा परिवार चलता है और हम लोग जो है काम कर रहे हैं। दूसरा होता है फेम, कि अब कहीं मैं जाता हूँ कोई मुझसे पूछता है भैया कि आप क्या काम करते हैं, मैं बोलता हूँ मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ या कहता हूँ मैं यूट्यूबर हूँ, तो कोई कोई समझ जाता है तो ठीक है समझ आता है, लेकिन कुछ कोई ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं तो वो कहते हैं कैसे कैसे, तो ये जो आपको बताया हूँ ना पूरा उनको समझाना पड़ता है, देखिए यूट्यूब पे ऐसे काम करना पड़ता है, ऐसे पैसा आता है, ये सारी चीज़ें आती है, महीने का इतना आता है, तो कुछ लोग जो है कहते हैं इतना आता है, बताता हूँ वहाँ पर इतना इतना आता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखिए बड़े बड़े लोगों से मिलने का मौका मिलता है, जिंदगी में पहली बार मुझे मौका मिला कि दिसंबर 9 दिसंबर को एक कार्यक्रम किया 2022 में बॉम्बे में, और मैं गोरखपुर से बॉम्बे गया था और गूगल जैसी बड़ी कंपनी का ऑफिस में एंट्री किया यूट्यूब के माध्यम से, इतना बड़ा हाईटेक था, वहाँ कार्ड लगता था गेट पे, जो गार्ड खड़े थे कार्ड लगाए, पूछे कौन क्या नाम आपको बताया, मैं जोगेंद्र सानी हूँ, क्योंकि मेरा मेल आया हुआ था, मैं वहाँ पहुँचा और बेकी सी जगह पड़ता है बॉम्बे के अंदर, बॉम्बे कुरला कॉम्प्लेक्स, वहाँ पे हम गए, वहाँ ट्रेनिंग अटेंड किए और सिंगापुर के कुछ लोग थे वहाँ, मतलब यूट्यूबर लोगों से मिले हम, अलग लोगों से। उसके बाद एक तो फेम मिल गया, एक जान पहचान मिल गया, और अभी देखिए इसी 30 तारीख को, मतलब आज तारीख आपको 27 तारीख है, आज से 3 दिन बाद दिल्ली के अंदर बड़ा कार्यक्रम हो रहा है क्रिएटर कार्निवाल, पूरे भारत से यूट्यूबर वहाँ पहुँच रहे हैं, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ और मैंने भी गोल्डन टिकट ले रखा है, गोल्डन, अगर आप लोग देख रहे होंगे वीडियो तो मैं वहाँ दिल्ली में गोल्डन वाले कैटेगरी मिलूंगा आपको और वहाँ देखेंगे, तो ये मौका मिलेगा। और 5000 यूट्यूबर इकट्ठा हो रहे हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली के अंदर, हम सब जा रहे हैं, बड़े बड़े नाम जैसे मनोज देव हो गए, टेक्निकल योगी हो गए, ऐसे लोग कुछ आए जिनको भी देख के मैं फॉलो किया हूँ, जिनको देख के मैं यूट्यूब चलाना सीखा हूँ, यूट्यूब वीडियो एडिट करना सीखा हूँ, तो वो सारे लोग आ रहे हैं, तो मिलने का मौका है ये, एक तो सम्मान हो गया, एक तो पैसा हो गया, एक रोजगार हो गया हम लोग को भैया, कि रोजगार मिल रहा है। इसलिए अगर आप भी फालतू मतलब कि बिना काम के ही अपने समय को बर्बाद करते मत करिए, और आप सिस्टम से काम करिए, आप पक्का आप भी ना सोशल मीडिया से अच्छा कमा सकते हैं, क्योंकि देख रहा हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे लोग काम करके अच्छा खासा इनकम कर ले रहे हैं, फेसबुक पे लोग काम करके अच्छा खासा इनकम कर ले रहे हैं, मैं यूट्यूब पे काम करके अच्छा खासा इनकम कर ले रहा हूँ, तो हमेशा वीडियो बनाकर आप सबको मोटिवेट करना चाहता हूँ कि नेम और फेम चाहिए तो प्लीज़ यूट्यूब पे आइए और यूट्यूब पे वीडियो बनाइए, बस ये सेट कर लीजिए कि लोगों को आप क्या सिखाएंगे, क्योंकि मैं तो कंप्यूटर सिखाता हूँ, मैं तो लैपटॉप सिखाता हूँ, तो आप भी सोच लीजिए आप मैथ सिखाएंगे लोगों को, केमिस्ट्री सिखाएंगे लोगों को, कि क्रिकेट खेलना सिखाएंगे, कि गाना गाना सिखाएंगे, जो आपके यहाँ टैलेंट है ना वही लोगों को सिखाइएगा, जो मेरे पास टैलेंट है मैं लोगों को सिखा रहा हूँ और लोगों को पसंद आता है, क्योंकि उनका लाइक आता है, उनका कमेंट आता है, उनका इतना स्नेह आता है, बहुत मुझे अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अगर वीडियो देख लेंगे तो अब नहीं पूछेंगे YouTube से आप क्या पाते हो और क्या क्या मिलता रहा दोस्तों, वीडियो बनाकर सिर्फ चाहता हूँ ना आपको मोटिवेट करूँ और आप भी आगे बढ़िए, आप भी जीवन में खुद सफलता पाइए। वीडियो पसंद आपको आए प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं ना वो YouTube पे काम करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कैसे काम करें, हो सके वीडियो को देखने बाद में वो कुछ समझे। चलिए आप सब लोगों को नमस्ते दोस्तों।